शिक्षा मुफ्त है, जो जीडीपी है उसका इतना परसेंटेज मिलता है कि चिकित्सा और शिक्षा के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। अगर शिक्षा मिलेगी तो आपके लिए लोकतंत्र की स्वच्छता हमेशा बनी रहेगी। तो अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए चिकित्सा, शिक्षा, राजनीतिक स्वच्छता और बेरोजगारी, ये चार मेरे मुख्य मुद्दे रहेंगे। बाकी मुद्दे तो जो जो लोकल मुद्दे होते तो सब जगह एक समान जैसे है, लेकिन ये ठीक होगी तो सब कुछ ठीक होगा। तो ये हमारे साथ में प्रसपा से लखनऊ से प्रत्याशी थे डॉक्टर आर के ठुकराल, जो एक शपथ पत्र लेकर आए हैं और जो मेन मुद्दे हैं उन्होंने आपको बताया। हमारे साथ में मोहनलालगंज के प्रत्याशी गणेश रावत जी हैं। सर, नामांकन करके भी आप निकल रहे हैं, तो किस तरीके की खुशी है और क्या आगे की नीति क्या है? देखिए, जिस तरह से देश में आज आम आदमी त्रस्त है, तो आक्रोश है। हम लोग चाहते हैं कि जो भाजपा की सरकार है, जिस तरह उसने पूरे देश को बदहाल कर रखा है, उसको उखाड़ फेंकना है। ये हमारे नेता माननीय शिवपाल यादव जी, क्योंकि उनकी तरफ पूरा प्रदेश देख रहा है, वो एक ऐसे नेता हैं जो इन भ्रष्टाचारियों को भगाने का काम करेंगे। तो मोहनलालगंज की और कौन सी ऐसी समस्याओं को जो आपने देखा है अभी तक का एक नेता रहते हुए, उन कौन सी समस्याओं को आप पूरा करेंगे अगर आपको वहां से जीत मिलती है तो? देखिए, जीवन की जितनी जुड़ी हैं, आम आदमी से जुड़ी हैं, छह से जुड़ी हुई हैं, जितनी समस्याएं हैं वो विकराल समस्याएं हैं, एक आध गिनाने से उनका हल होने वाला नहीं है। सारी सारी समस्याएं ऐसी हैं जो क्षेत्र को विकास के रास्ते से पीछे ले जा रही, उन समस्याओं को कितना खत्म करेंगे, क्योंकि मुख्य काम होता है प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, वही देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग सांसद के चुनाव के माध्यम से, चुनाव जीतने के बाद इन नेताओं को, इस देश की उस व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे नेता शिवपाल यादव ऐसे नेता हैं जो कार्यकर्ताओं से लेके आम जनता के बीच सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो मेन मुद्दा क्या है आपका, जो सब कुछ जो लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं कि वो सब मुद्दे, चाहे वो रोड की समस्या हो, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, रोजगार की समस्या हो, आम आदमी का शोषण की समस्या हो, थाने तहसील विभागों में फैला भ्रष्टाचार है, कुछ ऐसा बचे नहीं कि जो कहीं अच्छा दिख रहा हो, उन सबको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे खत्म किया जा सकता है, उसके लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लड़ेगी, गणेश रावत लड़ेंगे और हम लोग सड़कों पर उतर के लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि मेरा नेता बहुत जुझारू कर्मठ नेता है। तो हमारे साथ में मोहनलालगंज से प्रत्याशी थे गणेश रावत जी, जिन्होंने जो मेन मुद्दे हैं वहां की जनता की समस्या है जो उसको बताया। कैमरामैन हर्ष के साथ अविरल, लखनऊ।